वासा के होते हुए लोग ये पानी पी रहे हैं? जी देखें, वासा का जो आप एट सोर्स अगर पानी टेस्ट करें तो 100% ठीक फिट फॉर ड्रिंकिंग है, और WHO या जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक है 100% जो सोर्स पे पानी कोई कंटेमिनेटेड नहीं। जो सिस्टम होते हैं हमारा लार्ज सिस्टम है, बहुत बड़ा लार्ज सिस्टम है, और उसमें भी 95% प्लस अगर सैंपल आप रैंडम WHO गाइडलाइंस के लेते हैं और उनको टेस्ट करते हैं, अगर वो ओके हैं तो सिस्टम ठीक होता है। लेकिन इशू क्या आ रहा है? इशू आ रहा है लोगों के अपने घरों के जो सर्विस पाइपलाइंस हैं, लोग उनको चेंज नहीं करते, उनका पुरानी पाइपलाइंस हैं, जे पाइप आउटलिफ्ट हो गए, उनमें डिफरेंट किस्म के पानी इन होने का यानी स्पॉट बन गए हुए हैं, और अपनी होदियों से गुजार रहे होते हैं, अपनी जो टैंक हैं उनको सफाई नहीं करते, तो जिस वजह से ये फील होता है कि जब हम पानी देखते हैं किसी घर में तो वो इस तरह का आता है। ये किसी घर का नहीं, ये हजारों लोगों का, सैकड़ों घरों का मसला है। ये जो आप बात कर रहे हैं मैं मानूंगी इस बात को, लेकिन अगर 10 घरों में पानी साफ आ रहा है, 2 घरों में गंदा आ रहा है, मैं इस बात को मानूंगी, लेकिन अगर हर घर का बच्चा सुबह शाम बोतलें उठाए फिल्टर से पानी भरने जा रहा है और हर घर में ये पानी आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं फिर सिस्टम में भी खराबी हो सकती है। नहीं देखें, अगर एक घर का किसी सर्विस लाइन ख़राब होगी तो वो पूरे सिस्टम को कंटेमिनेट करते हैं, पहले तो बात ये है, ठीक है। ये नहीं होता कि एक घर की अपनी सर्विस लाइन उसको गंदा पानी मिलेगा, जब भी प्रेशर डाउन होगा लाइन में उस घर के, अगर होदी से पानी पाइप गुजर रहा है तो वो होदी के थ्रू वेस्ट वाटर सिस्टम में आएगा, तो वो उस पूरी स्ट्रीट, हो सकता है मोर देन वन स्ट्रीट्स को वो कंटेमिनेट करेगा। बाकी जहाँ तक आप कहते हैं हज़ारों हज़ारों अगर हों, तो लाहौर में बड़ा इवेंट कराई है, एक बड़ा सीन बना हो कि ये पानी मिल रहा है, ऐसा सिचुएशन कभी नहीं। कई इलाके सर कवर कर चुकी और कई इलाकों की शिकायत आप तक पहुंचा चुकी। आपने अपनी बात कर दी, अब मेरी बात सुन लें, तो अगर ऐसी सीन हो तो पूरे लाहौर में आपको लोग एहतजाज करते नजर आए, कहीं ऐसी सूरत नहीं है। बाकी ये जैसे आपको कहा कि 95% प्लस हमारे सैंपल फिट आ रहे हैं, हमारी लैब वही लैब है जो तमाम यूटिलिटीज है, किसी के पास ISO सर्टिफिकेशन नहीं है, हमारे पास है, और WHO गाइडलाइंस के मुताबिक कर रहे हैं, दूसरा डिसइंफेक्शन भी हम कर रहे हैं, तो ऐसा जैसी सूरत हाल नहीं है। अच्छा, अगर किसी इंडिविजुअल है तो वो भी हम उसको रेक्टिफाई